लैब तो रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए। क्या पी रहे हो आप? मिल्क शेक किस चीज़ का? डेट्स वाओ, ये इनका मोस्ट फेवरेट है। सुबह के टाइम नाश्ता ना करना पड़े, ये बस शेक मिल जाए बस खत्म। ऐसे ये रेडी हो चुकी है, हंजला रेडी हो रहा है और अब्दुल्ला भी रेडी होगा, फिर इनको स्कूल भेजते हैं। शूज भी पहन लिया आपने? बाल तो बनाए नहीं आपने अभी तक। आती ये मैंने इनके लिए शेक बना के रखा हुआ है, अभी इनको शेक दूंगी। हंजला भी आ चुका है रेडी होके, अब हंजला शेक पी रहा है। शेक पी रहे हैं आप? आपने भी नहाए हो? आप भी नहाए हो ना? वाह, फ्रेश हो जाते हैं ना नहाने से। तो यहाँ पे हो चुका है सुबह का टाइम, मतलब सुबह से भी ज्यादा का हो चुका है और अभी काम मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, हेल्पर आई हुई है और मैं अभी जाके करने लगी हूँ बच्चों के लिए लंच की तैयारी। और दिखाती हूँ आपको कि लंच में मैं क्या बना रही हूँ और आप लोग सुनाएं आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसे हैं। कंप्लीट हो चुकी होंगी तकरीबन सबकी, और मैंने अभी कंप्लीट नहीं की, और मेरी अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई उसके पीछे भी एक रीज़न है और वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो रहिएगा मेरे साथ, कंप्लीट वीडियो देखा करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आ चुकी हूँ मैं अब किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लंच में भी बच्चों के लिए क्या सालन बनाने लगी हूँ और उनके लिए और क्या बनेगा। और वही वाला जो सालन होता है ना, जब मैं इस टाइम रेडी कर लेती हूँ ना, वही अफ्तारी में भी हमारा यूज होता है। मतलब अफ्तारी में तो आपको पता है ये वाला खाया नहीं जा रहा होता, सालन रोटी तो खाई नहीं जाती तकरीबन। और बाकी जो आइटम्स बनते हैं दही भल्ले, फ्रूट चाट्स और इस तरह की चीज़ें, वो ज़्यादा खाई जाती हैं। और ये जो सालन होता है ना, ये आप सेहरी में मतलब हम लोग यूज़ कर लेते हैं या साथ में दही वगैरह हो जाती है, तो इस तरह। तो अब बस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो ये चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने रखी हुई है दाल माश और इसको हल्का सा मैंने बॉयल दिया है और अब इसको बस जस्ट मसाला वगैरह बना के ना सिर्फ फ्राई कर लूँगी। और अब ये साथ में ये चेक करें, मैंने आलू रखे हुए इनके लिए बॉईल करके, और इसके ना मैं बच्चों को बना के दूँगी आलू के पराठे जो कि इनके मोस्ट फेवरेट हैं। और आलू का ना मेरे इसका हाल चेक करें, ये बेचारे पानी और ये पतीले पक पक के ना बेचारा, पता नहीं उसका क्या बुरा हाल कर दिया मैंने, इतना उसका पकाया इतना पकाया ना कि ये चेक करें इसकी हालत। चलिए हो जाते हैं कभी कभी, बस ये भी हो चुका है। अब मैं इनके प्याज वगैरह और लहसुन और ये चीज़ें बनाती हूँ और जल्दी से बच्चों के लिए बना लेते हैं लंच, क्योंकि बच्चों को छुट्टी होने वाली है और बच्चे आ जाएंगे और बच्चों से तो सब्र जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे जी प्याज कर लेंगे हम चॉप इस चॉपर में, और यकीन करें इस चॉपर ने जो है ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान बनाई हुई है। मतलब कि आप बस प्याज का छिलका उतारो और इसके अंदर ऐड कर दो, और ये चेक करें मैं आपको करवाती हूँ कितनी बारीकी से ना, ये बिल्कुल आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतने बेहतरीन से ना इनको चॉप कर देता है। तो बस ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मतलब अपने किचन का मेरा आइटम है जो ना बस जिसके बगैर ना मैं सोचती हूँ कि मैं सब्ज़ी काट भी नहीं सकती, ख़ासतौर पर प्याज़ और ये टमाटर वगैरह इनको सबको मैं इसी में चॉप करती हूँ और बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए जी चूल्हा मैंने चला लिया और अब जल्दी से इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी और इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐड कर देंगे इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज, और बस सिंपल सा ही है, और जाहिर सी बात है दाल माश बना रही थी तो सिंपल तरीके से ही बनती है। और आप यकीन करें जितना सिंपल हम इनके अंदर मसाले रखेंगे ना उतनी ही हेल्दी ये चीज़ें बनती हैं। जितने ज़्यादा मसाले हम यूज़ करते जाते हैं उतने ही मतलब हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो बस जी अब बारी आ चुकी है टमाटर को चॉप करने की, और इसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। तो अब ऐड कर लूँगी मैं इसके अंदर एक एक करके सारे मसाले, बेसिक मसाले ही ऐड करूँगी, रेड मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला पाउडर, और साथ में ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था धनिया पाउडर।
तो चले जी आ जाते हैं हम उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कहा था कि अभी तक मैंने अपनी ईद की जो तैयारी है ना तकरीबन उसको पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं किया और ना ही अभी हो पाई है। वो उसकी भी मैंने आपको जो रीज़न बताई थी वो रीज़न ये है कि ईद के बाद है हमारे शादी, तो घर की शादी है, इस वजह से थोड़ा ना उसको थोड़ा स्लो मैंने रखा हुआ है कि ईद का बस थोड़ा वो कर लूँ और शादी पे जो है ना प्रॉपर तरीके की तैयारी करेंगे और वो सारे व्लॉग्स आपको आपके साथ मैं शेयर करूँगी और तैयारियाँ भी सारी शेयर करूँगी। तो बस आप व्लॉग को कंप्लीट देखा करें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें। तो चलें जी बातों ही बातों में मैंने इसके अंदर दाल भी ऐड कर दी और इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो चेक करें जी दाल की लुक माशाल्लाह से ब्यूटीफुल। और जैसे हम बाहर अगर कहीं खाना खाना हो तो खाएँ तो उसमें जो दाल होती है ना माश वाली स्पेशल, उसके अंदर हल्दी ऐड नहीं की जाती, लेकिन मैं हल्दी ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और थोड़ी देर से हल्की सी आँच पर रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।